नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओफ्लोटास ओजट के बारे में। दोस्तों इसके क्या कंटेंट हैं, दोस्तों इसका क्या एमआरपी है, और दोस्तों ये किस तरह का लेना है दोस्तों हमें, और दोस्तों इसके क्या क्या यूजेस और क्या लाभ हैं, दोस्तों इसके क्या साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसमें क्या क्या कंटेंट डाला हुआ है दोस्तों। तो कंटेंट पर नज़र डाले तो दोस्तों इसमें ओफ्लोक्सासिन, ओनिडाजोल सस्पेंशन ये सिरप है दोस्तों, और यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है दोस्तों इंटास कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है ये देखिए, और दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव सिरप है दोस्तों। और दोस्तों जान लेते हैं इसके एमआरपी के बारे में। एमआरपी इसका दोस्तों 53/4/2020 की एक्सपायरी डेट है। और दोस्तों इस यहाँ पर ब्रांडिंग हो रही है देखिए इंटास फार्मास्यूटिकल दोस्तों, ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, डॉक्टर की सलाह के बिना सिर्फ का बिल्कुल यूज़ ना करें। दोस्तों जान लेते हैं हम इसके लाभ के बारे में। दोस्तों आपके बच्चे को लूज मोशन की समस्या हो चुकी है, या दोस्तों आपका बच्चा बार बार दस्त कर रहा है, या दस्त के साथ साथ दोस्तों खून भी आ रहा है दस्त में, बहुत ज़्यादा दस्त से परेशान है, तो उस प्रॉब्लम में ये सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों। किसी तरह की इन्फेक्शन हो पेट की, या पेट की इन्फेक्शन हो, या दोस्तों यूरिन की इन्फेक्शन हो, या सुजाक की प्रॉब्लम हो, तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव ये सिरप है दोस्तों। दोस्तों ये दांतों के दर्द के लिए भी काम आता है, या आपके दांतों में इन्फेक्शन हुई हो तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव ये सिरप है दोस्तों। और दोस्तों ये लूज मोशन के लिए तो एक रामबाण इलाज है दोस्तों। किसी तरह कोई लूज मोशन लगे हुए हो, या लूज मोशन में दोस्तों खून आ रहा हो, बार बार लूज मोशन आ रहे हो दोस्तों, या पेट में मरोड़ पड़ रहा हो, या दोस्तों बहुत ज़्यादा दस्त हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत ही कारगर सिरप है दोस्तों ये दोस्तों। और दोस्तों मसूड़ों की सूजन हो दोस्तों, या टाइफाइड का बुखार हो, या दोस्तों दस्त की वजह से बच्चों को बुखार आ जाता है दोस्तों, तो उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव ये सिरप है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये मार्केट में सिरप नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह ओफ्लोक्स ओजट भी ले सकते हैं दोस्तों। ओफ्लोक्स ओजट सिप्ला कंपनी का आता है दोस्तों, वो ईजिली मिल जाएगा आपको, वैसे तो ईजिली आपको ये भी मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों जान लेते हैं हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके साइड इफेक्ट दोस्तों या कब्ज या उल्टी हो सकती है इसको लेने से, या एलर्जी हो सकती है किसी तरह की, या दोस्तों थकान हो सकती है, या बार बार मुंह सूख सकता है इस सिरप को लेने से दोस्तों। अगर दोस्तों ऐसा कोई सिम्टम दिखता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें दोस्तों, बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल ना लें और सिरप को बंद कर दें दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो चलो दोस्तों इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं हम, सॉरी इसके दोस्तों डोजेस के बारे में देख लेते हैं, इसको कैसे कैसे लेना है दोस्तों। इस तरह की पैकिंग में ये सिरप आता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपका बच्चा 2 से 3 साल का है दोस्तों, तो उसको आप आधा आधा ढक्कन दे सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर 5 ml दे सकते हैं आप यहाँ से भर के दोस्तों। अगर दोस्तों 1 साल का बच्चा है, 1 साल से नीचे का है, तो उसको 2.5 ml दे सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपका बेबी दोस्तों बच्चा 5 6 7 साल का है, तो उसको पूरा ढक्कन 10 ml दे सकते हैं दोस्तों। तो इसके ये डोज है दोस्तों, इस तरीके से लेना है। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। धन्यवाद।